हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विक्रम और स्वागत करता हूं आपको यू इन्फो फैक्ट चैनल पे। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में गोल्ड फिश का मेमोरी सिर्फ 3 सेकेंड होता है? या फिर कभी आपने ऐसा पौधा देखा है जो सूखा है लेकिन पानी डाले तो फिर से जिंदा हो जाए? या फिर कभी आपने सोचा है कि अमेरिकन्स 1 साल में कितने ज़्यादा हैमबर्गर्स खाते हैं? या फिर अगर घर में 2 चूहों को राख दिया जाए तो 1 साल में उनकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? अगर ये भी नहीं जानते तो ये तो ज़रूर जानते होगे कि ह्यूमन स्पर्म जो है वो 350 सालों से साइंटिस्ट को बेवकूफ़ बना रहा है। अगर ये सब भी नहीं जानते तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम इसी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नए नए अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स वाले फैक्ट आपके पास आते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब गोल्ड फिश के बारे में तो जानते ही होंगे और आपने ये भी सुना होगा कि गोल्ड फिशेस की मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड की होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बात पूरी तरह से झूठ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अगर गोल्ड फिशेस को किसी चीज़ और इवेंट्स को याद करना हो तो वो उसे कई महीनों तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रूफ मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में गोल्ड फिश का टैंक है तो आपने कई बार ये नोटिस की होगी कि आप जिस टाइम पे रोज जहाँ पे खाना डालते हो वहीं पे वो गोल्ड फिशेस हर रोज आके पहरा देती है। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? Amazing. और मॉडर्न साइंस ने भी ये दावा किया है कि मछलियाँ ह्यूमन से भी कई गुना ज़्यादा चालाक होती है, और यहाँ तक कि गोल्ड फिशेस की कई सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो बहुत सारे टूल्स को यूज भी कर सकती हैं। दोस्तों, कई बार हमने ये नोटिस किया होगा कि हमारे घर में चूहों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चूहों का ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर आप किसी एक मेल और एक फीमेल चूहों को एक साथ रख दें तो उनकी ग्रोथ रेट की वजह से सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में चूहों की संख्या लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ तक कि एक इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट के दौरान रेंटोकिल, जो कि द राइज ऑफ द रैट्स के लेखक हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये चूहे सिर्फ और सिर्फ 3 साल छोड़ दिए गए तो ये 500 मिलियन तक की चूहों की तादाद में हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों, अमेरिकन्स तो हर चीज में शौकीन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, खाने का शौक तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। दुनिया में तो कई जगहों पे हैमबर्गर्स खाया जाता है, लेकिन अमेरिकन्स इन सब मामलों में बहुत ही आगे हैं। अमेरिकन्स लोग लगभग 1 साल में 13 बिलियन हैमबर्गर्स खाते हैं, जो कि हमारे अर्थ को 32 बार यानी 32 टाइम्स सर्कल करने के लिए बहुत ही काफी है ना मजेदार फैक्ट्स? Incredible facts. दोस्तों, क्या आपने एवोकाडो के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पियर शेप्ड यानी कि नाशपाती जैसे दिखने वाला अमेरिका का ट्रॉपिकल फ्रूट है, जो कि दिखने में ग्रीन और थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है, और इसके अंदर रिच येलोइश पल्प होते हैं, लेकिन ये कभी भी पेड़ों पे नहीं पकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्हें पेड़ों से तोड़कर ही पकाया जाता है। और फैक्ट की बात तो ये है कि इन्हें पकाने के लिए बहुत ही मज़ेदार तरीकों का यूज़ किया जाता है। इन एवोकाडोज को पकाने के लिए एप्पल और बनाना के साथ रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल और बनाना से प्रोड्यूस हुआ इथाइलिन गैस इसे पकाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। Amazing. दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी अभी आपका दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो आप बोलोगे कैसे? तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप जब भी कोई नया चीज़ सीखते हो या सुनते हो तो आपका दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होता है, और इसे एक टर्म से डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी, और इसको न्यूरल प्लास्टिसिटी या फिर ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। असल में दिमाग का न्यूरल नेटवर्क जो चेंज होता है अगर हम किसी
नए ग्रोथ, रीऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी न्यू लर्निंग के बारे में जानते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप से चेंज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जाता है तो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स में छेड़खानी होती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहले तो ये माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों में ही दिखती है, लेकिन 20वीं शताब्दी के रिसर्च अनुसार ये पता चला कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स का अल्टरनेशन होना सिर्फ और सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी पाई जाती है। और जो लोग अपने ब्रेन को नए नए डेवलपिंग, ग्रोइंग एंड इन्वेंट्री आइडियाज़ में यूज़ करते हैं उनकी दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का डिग्री बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसीलिए एक्टिविटी डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है, जैसे कि हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए और रिकवरी फ्रॉम ब्रेन डैमेज के लिए भी। तो इसी फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। नाउ लेट्स हैव द टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप एक ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जो कि पूरी तरह से सूख भी जाए ना तो अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो अचानक से जिंदा हो जाते हैं? जी हाँ, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसका नाम रमोंडा सर्विका है, जिसे सर्बियन रमोंडा और सर्बियन फोनिक्स फ्लावर भी कहा जाता है। ये जेसनेरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, इसीलिए ये यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। रमोंडा सर्विका नामक ये प्लांट यूरोप के अल्बानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सर्बिया में ही पाए जाते हैं। इस प्लांट का डिस्कवरी सर्बियन बोटनिस्ट जोसिफ पैंकिक ने 1874 यानी 1874 में किया था। ये प्लांट फुली डिहाइड्रेटेड हो जाने के बाद, या तो कहें मर जाने के बाद भी अगर पानी डाला जाए तो जिंदा हो जाने की वजह से ही दुनिया भर में फेमस है, और मरने के बाद भी जिंदा होने की वजह से इस प्लांट को डेसिकेशन प्लांट भी कहा जाता है, और वर्ल्ड वार वन के दौरान आर्मिस्टिस डे के सिंबल के रूप में इस प्लांट को यूज किया गया था। ह्यूमन स्पर्म 350 सालों से अभी तक साइंटिस्ट को बेवकूफ कैसे बना रहा था, ये फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए टॉप फैक्ट की ओर। दोस्तों, अभी तक तो हम ये जानते ही थे कि रिप्रोडक्शन के टाइम ह्यूमन स्पर्म मिलियंस में जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म जो एक से मीट करता है उसी से रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। और हमने कई वीडियोज और इमेजेस में ये देखा होगा कि जो स्पर्म मूव करता है वो बिल्कुल स्नेक के स्टाइल में मूव करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरी के अनुसार ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि लेटेस्ट डिस्कवरीज और रिसर्च से ये पता चला है कि स्पर्म जो है वो स्नेक स्टाइल में मूव नहीं करता, बल्कि ये अपनी जगह पे स्पिन करते हुए मूव करता है, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। और ऐसे ही मूवमेंट को ना कैच करने की वजह से साइंटिस्ट को 350 सालों से लग रहा था कि ये स्नेक के स्टाइल में मूव करता है, तो बना दिया ना स्पर्म ने साइंटिस्ट को फूल। तो ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स के लिए स्क्रीन पे दिखाए गए वीडियोस पे क्लिक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर चैनल का लोगो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करें।